स्क्रीन पर है हमारे साथ कई खिलाड़ी। हम आपको बता दें कि आज हम इनको सिखाने जा रहे हैं रोलिंग कैसे की जाती है और रोल करते हुए अपनी बॉडी को डाइव कैसे किया जाता है। डाइव करके कैच पकड़ेंगे। बारिश का मौसम है और इस मौसम में बच्चे कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होते हैं, तो ऐसे में रोल करके डाइविंग सीखेंगे और डाइव करते हुए कैच सीखेंगे। पहले डाइव कैसे की जाती है, जिन बच्चों को डाइव नहीं आती है, जैसे हम आपको बताएं, थोड़ा सा करीब लाइए और इनसे पूछते हैं इनको डाइव आती है नहीं आती। क्यों सर आती नहीं थी, अभी थोड़ी थोड़ी आ गई। अच्छा, नहीं आती थी तो आपको गिरने में दिक्कत होती थी? यस सर। क्या दिक्कत होती थी सर? गिरने में प्रॉब्लम, मतलब डर लगता था कि कैसे गिरेंगे। अच्छा, आप बताइए सोनल, आपको भी बॉल को डाइव करने में दिक्कत हो रही थी? यस सर, डर लगता था उस पर कैसे गिरे। हाँ, और ये दो खिलाड़ी देखिए साथ में जब मौजूद है, ये तो पूरी चहलकदमी के साथ पूरे एकदम जैसे वो होते हैं ना, क्या कहते हैं किसको कहा जाए, बंदरों की तरह गुलाटी मारते हैं ये सब तो। और इनकी बात ही कुछ अलग है। सद्भाव है ये अनुज है। सद्भाव, अनुज कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, बड़े बड़े मरियल से लग रहे हो, थके हुए हो क्या? नहीं सर। हाँ, अच्छा चलिए, हाँ माहौल बेहतर है तो हम आपको बता दें कि डाइव करना अगर आपको सीखना है तो कुछ इस तरीके से आप पहले इसकी ड्रिल करेंगे, और ड्रिल से पहले हम आपको इसकी बेसिक्स बताएंगे। देखिए इसकी बेसिक्स कैसे है। इसमें सबसे पहले आपको अपने पैरों को बाहर की ओर निकालना है, और जिस पैर से आपको जंप मारनी है उसी पैर को आपको बाहर निकालना है। मतलब आपका राइट लेग है, अगर राइट साइड में आप कर रहे हैं तो राइट लेग होगा, जाहिर सी बात है। तो राइट लेग जब होगा तो आपका ये जो टो है, ये देखिए टो की दिशा, ये तो इस पर रखा हुआ होगा, हल्का सा ये पैर ऊपर की ओर उठा होगा, लेकिन दूसरे वाले पैर की स्थिति ये होगी कि ये पूरा एकदम टो पर ही लगा रहेगा। अब जब ऐसी कंडीशंस बनेगी तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी अब आपकी बॉडी गिरने के कगार पर है और आपका हाथ बिल्कुल बॉल को कैच करने के लिए इमेजिन कर रहा है, और जैसे ही आप कैच की ओर जाओगे, देखो हल्का सा आप अपने आप को पुश करोगे और बॉडी आपकी ये गिर गई, और गिरने के बाद इसको आपको रोल करना है। फिर से आप देखिए, कॉन्टैक्ट, पहला पैर मिड टो के साथ रहेगा और दूसरा पैर आपका देखिए इस टो के केवल टो उस पर कॉन्टैक्ट में रहेगा, और बॉडी पूरी तरीके से साइड ऑन पोजीशन पर बनेगी। आपका हाथ बॉडी के वेट को और ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा, और जैसे ही आप ट्रांसफ़र करेगा हल्का सा बॉडी पुश करेगी, ये देखिए ये पोजीशन पर आप गिरोगे। देखिए ड्रिल कर रहे हैं सब, डाइव करने की ड्रिल, बार बार सब कूद रहे हैं। ज़्यादा लंबा अप्रोच लीजिए, थोड़ा सा लंबा अप्रोच लीजिए अपना, जितना लंबा अप्रोच लेंगे, वेरी गुड, शाबाश। थोड़ा जंप करते हुए लंबा अप्रोच लीजिए, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, वेल डन। जंप करते हुए लंबा अप्रोच, नाइस।